हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप लोग। ले आई हूँ मैं टैरो पूजा फिर से आपके लिए एकदम ब्रांड न्यू रीडिंग। और आज हम लोग देखेंगे कि मेरे व्यूअर्स के जो लोग मुझसे आज जुड़ रहे हैं उनके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो किस तरह के लवर होंगे, किस तरह से अपने लव को एक्सप्रेस करेंगे, क्या क्या उनके ट्रेट्स होंगे, ये सारी बातें हम आज की रीडिंग में जानेंगे। आई एम वेरी एक्साइटेड टू स्टार्ट दिस रीडिंग एंड आई एम श्योर यू आर ऑल्सो वेरी एक्साइटेड। देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे तीन पाइल्स विद लवली ब्यूटिफुल फेरीज ऑन ईच वन ऑफ देम, राइट। दिस इज पाइल नंबर वन, दिस इज पाइल नंबर टू एंड दिस इज पाइल नंबर थ्री। इनके साथ आपको एसोसिएटेड स्टोन्स भी दिख रहे हैं, ग्रीन, पिंक एंड रेड। आप इन तीनों में से कोई भी एक पाइल चुन लीजिए जिस पाइल की तरफ आप सबसे ज़्यादा ड्रॉन फील कर रहे हो, राइट। जो आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है वो पाइल आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। आप इस वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा ध्यान लगा के अपना मनपसंद पाइल जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, आपको अपनी तरफ खींच रहा है, उस पाइल को आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे मैं आपको याद दिला दूँ, इट्स अ टाइमलेस रीडिंग, कलेक्टिव एंड जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है और टाइमलेस है, तो जब आप इसे देखेंगे ये आपके लिए वैलिड होगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए फॉर मोर सच कॉन्टेंट। चलिए अभी शुरू करते हैं हम रीडिंग विदाउट एनी डिले। आई एम श्योर आपने एक पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा, तो पहले मैं रीडिंग करूँगी फॉर पाइल नंबर वन, ओके। चलिए देखते हैं, लेट्स कीप दीज पाइल्स असाइड फॉर सम टाइम। पाइल नंबर वन की रीडिंग करते हैं, ओके। सो दिस इज पाइल वन, चलिए देखते हैं। हेलो, चलिए देखते हैं क्या रिवील करते हैं ये कार्ड्स आज आपके होने वाले स्पाउस को लेकर। किस तरह के लवर्स होंगे, किस तरह के लवर होंगे आपके होने वाले स्पाउस। वाओ, ब्यूटीफुल कार्ड्स, ब्यूटीफुल। लेट्स रिवील द लास्ट वन एज वेल, डेमोंस्ट्रेट लव। मैंने एक मैसेज और आप लोगों के लिए रेडी किए हैं, ये तीनों मैसेजेस हैं। और अभी मैं आपके सामने पाइल नंबर वन के लिए एक मैसेज को यहाँ से सेलेक्ट करूँगी। वो मैसेज भी ये रिवील करेगा इन शॉर्ट कि किस तरह का लव करने का, किस तरह का अपना अपना पैशन, अपना प्यार दिखाने का तरीका होगा, क्या किस तरह के लवर होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। चलिए, दिस इज़ फॉर पाइल नंबर वन दैट आई हैव पिक्ड अप। Let's see what does it say. Okay, so it says कि deep friendship and a playful lover. आपके जो future spouse होंगे या होंगी, he or she will have deep friendship sense and a very very playful lover वो होंगे. Your future spouse will have a long lasting crush on you. It will be for lifetime, flirting and praising that will never end. तो जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे वो बहुत ही मतलब आप पे जो उनका क्रश होगा, आपके लिए जो उनकी फीलिंग्स होंगी ना, वो शादी के बाद भी ऐसी फ्रेश और बहुत ही टेंडर रहेंगी। सो दिस इज़ व्हाट दिस मैसेज सेज, ब्यूटीफुल मैसेज, डीप फ्रेंडशिप एंड अ प्लेफुल लवर। लेट्स कीप इट असाइड, वी विल कम बैक टू इट लेटर। वाओ, तो द फर्स्ट कार्ड सेज दैट योर फ्यूचर स्पाउस विल बी very good at demonstrating their love, right? उन्हें पता होगा कि जिनसे वो प्यार करते हैं, जो कि हैं आप, सबसे ज़्यादा important आपके लिए और उनके लिए, आपके और उनके रिश्ते को strong करने के लिए, bonding करने के लिए क्या ज़रूरी है, और वो उसी हिसाब से आपके साथ बिहेव करेंगे। डेमॉन्स्ट्रेट करना लव को उनको अच्छे से आता होगा, मतलब वो इस तरह के इंसान हैं, वो जहाँ कहीं भी इस वक्त हैं वो इस तरह के इंसान हैं कि उन्हें पता है कि सिर्फ प्यार करना ही ज़रूरी नहीं है, सिर्फ प्यार करना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, उस प्यार को एक्सप्रेस करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो उन्हें पता है कि जितना इम्पॉर्टेंट किसी को शिद्दत से प्यार करना है, उतना ही इम्पॉर्टेंट उस प्यार को एक्सप्रेस करना भी है। तो डेमॉन्स्ट्रेट लव, इट्स अ वेरी वेरी गुड
क्वालिटी। चलिए और देखते हैं, फोकस ऑन लव, दिस पर्सन विल ऑलवेज फोकस ऑन लव एंड ही विल लुक फॉर गुड इन यू ऑल द टाइम, ऑल द टाइम। नेगेटिविटी पे नहीं, पॉजिटिव चीज़ों पे, आपकी खासियत पे, आपकी जो इंटरनल ब्यूटी है उस पे फोकस करने वाले होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। तो ऐसे होंगे जो कि हमेशा इस बात पे फोकस करेंगे कि आपके अंदर क्या अच्छा है, ऑलवेज फोकस, फोकसिंग ऑन लव एंड योर इनर ब्यूटी। दिस इज ऑल्सो अ ब्यूटिफुल कार्ड एंड आपको ट्रूली ट्रूली इन द ट्रू सेंस आपके फ्यूचर स्पाउस प्यार करेंगे। देखिए द कार्ड, जो कार्ड आया है ट्रू लव, इट सेज दिस लव इज वंस इन अ लाइफ टाइम। बहुत सारे लोगों को ये प्यार नहीं मिलता है डियर, ये प्यार मिलेगा आपको। इतना एक ऐसा प्यार मिलेगा आपको जिसको मतलब ही और शी विल बी ऑलवेज रेस्टलेस इन लव, ही और शी विल ऑलवेज बी ईगर इन लव। हमेशा आपको प्यार दिखाना, प्यार जताना, आपके लिए लाइफ को स्पेशल करना और सच्चा प्यार होगा आप दोनों का। लुक एट दिस, द काइंड ऑफ एनर्जी दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस ब्यूटिफुल कार्ड। तो ट्रू लव होगा आपका एंड दिस लव विल बी वंस इन अ लाइफ टाइम। सबको नहीं मिलता है ये प्यार जो आपको मिलेगा उनसे। वाओ, सपोर्टिव होंगे बहुत ज़्यादा, ही विल बी अ सपोर्टिव, ही और शी विल बी अ सपोर्टिव लवर। आपके साथ जेन्युइन एफर्ट लगाएंगे टू शो हिज और हर केयर टू यू। मतलब केयर सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं होगी, आपके लिए उनकी केयर जेन्युइन होगी, आपके लिए उनकी केयर राइट फ्रॉम हिज और हर हार्ट होगी, उनके दिल से निकलेगी आपके लिए केयर, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होगी। लुक एट दीज टू ब्यूटिफुल पीपल इन दिस कार्ड, कितना दे आर इन टू ईच अदर सो मच, कितना एक दूसरे पर फोकस है इनका। जो सपोर्ट एक दूसरे को ये कर रहे हैं इमोशनली और हर सेंस में, उसी तरह का लव और सपोर्ट आपको अपने स्पाउस से मिलेगा और वो एफर्ट बहुत जेन्युइन होगा जो वो डिस्प्ले करेंगे, जो वो करेंगे बहुत जेन्युइन एफर्ट होगा। और जो केयर होगी वो भी उनकी बहुत ट्रू होगी, बहुत ही प्योर होगी। सो दिस सेज दैट ही और शी विल बी अ वेरी वेरी सपोर्टिव लवर। नेक्स्ट देख लेते हैं, वाओ, दैट पर्सन योर स्पाउस, दे विल स्पेंड क्वालिटी टाइम विद यू। देखिए इस कार्ड की एनर्जी कितनी पॉजिटिव है। वो कोशिश करेंगे कि हमेशा आपको इस सिर्फ टाइम ही नहीं स्पेंड करें, ऐसा नहीं है कि आप एक तरफ बैठे होंगे और वो एक तरफ बैठे होंगे और आप लोग मोबाइल फ़ोन पे लगे हुए होंगे। देखिए ये भी एक तरह से साथ ही बैठना हुआ, लेकिन आपका जो टाइम होगा एक दूसरे के साथ वो होगा क्वालिटी टाइम। आपको आपको आपके स्पाउस स्पेशल फील कराएंगे हमेशा उनके लिए, कम से कम आपके लिए तो टाइम रहेगा ही, बाकी दुनिया के लिए वो टाइम निकाल पाए या ना निकाल पाए वो डिफरेंट बात है, बट फॉर यू ही और शी विल हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड एंड दैट टाइम विल बी अ क्वालिटी टाइम। ट्रैवलिंग, वेकेशंस, ऐसा कोई मौका वो नहीं छोड़ेंगे जबकि आपके साथ टाइम स्पेंड वो कर सकते थे और वो ना करें। ही और शी विल ग्रैब ईच एंड एवरी अपॉर्चुनिटी टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद यू and to make sure that things are set up अच्छा हो आस पास का आपका, और जो माहौल वो क्रिएट करेंगे it will be super super good। तो इस क्वालिटी टाइम स्पेंड करना भी उनका एक मेन फोकस रहेगा आपके रिश्ते में और जो वो बहुत स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिस करेंगे। एंड देन द फाइनल कार्ड विच इज फोकस ऑन लव, लुक फॉर द गुड, that person, your spouse, your future spouse will focus on only the love part। हर इंसान में बुराई भी होती है, अच्छाई भी होती है, लेकिन आपकी बुराइयों पे वो फोकस नहीं करेंगे। इट इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट करेक्टिंग यू, इट विल नॉट ऑलवेज बी अबाउट टेलिंग यू दैट यू आर रॉन्ग हियर, यू आर रॉन्ग देयर। उनका फोकस रहेगा पॉजिटिविटी पे, प्यार पे, आप दोनों की बॉन्डिंग पे। वो वाकई में इस कनेक्शन को डिवाइन मानेंगे और उसी हिसाब से इस कनेक्शन को आपके साथ वो ट्रीट भी करेंगे। सो दिस रीडिंग वॉज फॉर पाइल वन, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स आए, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर पाइल टू नाउ। ये कार्ड्स तो बहुत ही प्यारे आए थे एंड द काइंड ऑफ लवर विल बी डीप फ्रेंडशिप एंड अ प्लेफुल लवर। आइए अब पाइल टू देख लेते हैं, क्या करेगा रिवील पाइल टू, जिन्होंने पाइल टू सेलेक्ट किया है। चलिए
चलिए रिवील करती हूँ मैं कार्ड्स एक एक करके। लव एंड्योर्स, सुपर्ब। फॉरगिवनेस, परफेक्ट। बी इन द प्रेजेंट एंड ड्रीम ऑफ द फ्यूचर, वाओ। रोमांस एंड एक्सप्रेस लव थ्रू गिफ्ट्स, और क्या चाहिए मेरे पाइल टू वालों को, इतने अच्छे कार्ड्स, ब्यूटिफुल। चलिए एक एक करके कार्ड्स रीड करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपका मैसेज क्या है आपके फ्यूचर स्पाइस, किस तरह के फ्यूचर स्पाउस, आपके फ्यूचर स्पाउस किस तरह के लवर होंगे। एक्चुअली स्पाइसी कहना चाहिए, जिस तरह के स्पाइसी कार्ड्स आ रहे हैं, जिस तरह के वंडरफुल कार्ड्स आ रहे हैं। चलिए देखते हैं मेरे पाइल टू वालों के लिए किस तरह के लवर होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। ऑब्सेसिव एंड पैशनेट लवर, वाओ 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 वाओ, विल बी अ एन ऑब्सेसिव एंड अ पैशनेट लवर। योर फ्यूचर स्पाउस विल फॉलो यू एवरीवेयर यू गो, आपके बिना मन ही नहीं लगेगा, आपके बिना रेस्टलेस रहेंगे। दिस इज़ सो नाइस। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो हर जगह आपको फॉलो करेंगे, हर जगह एकदम मोबाइल नेटवर्क की तरह वो आपको फॉलो करेंगे। आप अगर थोड़े टाइम के बाद भी इधर या उधर हो जाएंगे तो उनको हमेशा हमेशा वो रेस्टलेस रहेंगे, और वो ये चाहेंगे कि आप हमेशा उनकी नज़रों के सामने पूरे टाइम रहें। तो दिस इज़ अगेन वेरी वेरी स्वीट। चलिए कार्ड्स भी जल्दी जल्दी मैं रिवील कर देती हूँ। लेट्स कीप द रीडिंग शॉर्ट एंड स्वीट। जितनी इन्फॉर्मेशन मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस टाइम में दे सकती हूँ मैं आपको दूंगी। तो इट विल बी रोमांस, लैविश द वन यू लव विथ पर्सनल अटेंशन एंड अफेक्शन। तो आप देख रहे हैं कार्ड ही कितना ज़्यादा ये एक्सप्रेसिव है। ये कह रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे या होंगी बहुत बहुत रोमांटिक होंगे, बहुत बहुत रोमांटिक होंगे, मतलब आपको पर्सनल अटेंशन देंगे और अफेक्शन देंगे। उनकी जो डिवाइड अटेंशन होगी ना, वो डिवाइडेड नहीं होगी, इट विल बी एन अनडिवाइडेड अटेंशन टू यू। रोमांस होगा ट्रू सेंस में, रोमियो जूलियट वाला। आपको मतलब आपकी हर चीज़ पे वो आपकी हर चीज़ को वो कहना चाहिए कि नोटिस करेंगे, क्या पहना है आपने, क्या कर रहे हो आप, क्या बात कह रहे हो, आज आपका मूड कैसा है, किस तरह से आप फील कर रहे हो, अच्छे लग रहे हो, कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे आपको। हर छोटी से छोटी आपकी बारे में जो पर्सनल माइन्यूट से माइन्यूट जो डिटेल होगी ना, उसे वो नोटिस करेंगे, और प्यार तो भर भर के रहेगा ही उनके दिल में आपके लिए। देन इट सेज लव एंड्योर्स, लव डज नॉट गिव अप और लूज फेथ, लव इज़ होपफुल एंड विदस्टैंड्स एवरी सिचुएशन। तो ऐसे ही विल बी और शी विल बी मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस, मतलब उनके लिए अंत में जीत प्यार की ही होगी। कोई लड़ाई कोई झगड़ा आप दोनों को बहुत टाइम के लिए एक दूसरे से जुदा नहीं रख पाएगा। आप लोग वो फेथ लूज़ करने वाले इंसान नहीं होंगे। उन्हें पता होगा कि अगर कैसे आपको मनाना है, कैसे आपके अंदर भी होप को जनरेट करना है, कैसे आपको भी हमेशा पॉजिटिव करना है। आप दोनों का प्यार हर मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन को एंड्योर करेगा, सहन करेगा, एंड यू बोथ विल कम आउट एज रियल विनर्स। तो ये कार्ड, ये देखिए कितना एक्सप्रेसिवली और कितना साफ साफ ये कार्ड कह रहा है कि आप दोनों को कोई भी रुकावट एक दूसरे से अलग नहीं कर पाएगी, कोई इंसान नहीं, कोई सिचुएशन नहीं, और कोई भी ऐसी चीज़ आप दोनों के बीच नहीं आ सकती है जो आप दोनों को दूर कर दे। तो और अगर होगा भी तो टेम्प्रेरी होगा, बिकॉज योर स्पाउस विल बी स्मार्ट इनफ, ही और शी नोज दैट लव एंड्योर्स इन द एंड। परफेक्ट कार्ड, परफेक्ट कार्ड, देखिए कितना ब्यूटीफुल कार्ड आ रहा है। उनके लव का आप स्टाइल देखिए, फॉरगिवनेस, नथिंग इज़ गेन बाय होल्डिंग ऑन टू पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स, मतलब फॉरगिवनेस जिस रिश्ते में होती है, जो जो लवर, जो पार्टनर, जो स्पाउस आपको माफ़ करके आगे बढ़ने के लिए तैयार है, या खुद माफ़ी मांग के आगे बढ़ने के लिए तैयार है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है डियर, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो एक फॉरगिव करने की, और जो लवर हैं आपके, वो क्योंकि डीप फ्रेंडशिप भी आई थी आपकी, डीप फ्रेंडशिप का मैसेज भी आया था आपका। डीप फ्रेंडशिप आप दोनों की इतनी होगी, बॉन्डिंग आपका इतना डिवाइन होगा, इतनी ट्विन फ्लेम एनर्जी होगी आप दोनों के बीच में, कि एक दूसरे को माफ़ करके आगे बढ़ना, एक दूसरे की गलतियों पे
को आपस में सुलझा के, दूसरों के सामने जाहिर ना करना, एक दूसरे को पब्लिकली एम्बैरस ना करना, बल्कि आपस में ही उन चीज़ों को सुलझा लेना आपकी, आपके पार्टनर की क्वालिटी होगी। और बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज इस कार्ड से मुझे आ रही हैं। देखिए, ये ऐसा कार्ड है जो मेरे पायलटू वालों के लिए आया है, और इस कार्ड को, इस चीज़ को हर कोई इंसान, हर कोई लड़का, हर कोई लड़की अपने पार्टनर से चाहता है। एक्सप्रेस लव थ्रू गिफ्ट्स, अ स्मॉल टोकन ऑफ लव हमेशा आपको देते रहेंगे, और अप्रिसिएट भी अगर आपको करेंगे, अप्रिसिएशन का तरीका भी उनका यही होगा कि गिफ्ट्स, नए नए गिफ्ट्स आपको मिलेंगे, खूब पैम्पर आपको किया जाएगा, और एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, स्वीट गिफ्ट्स एंड अ गिफ्ट फॉर एवरी ओकेजन वाले लवर आपके पार्टनर होंगे। बी अ लवर, वेरी वेरी पैशनेट, वेरी वेरी एक्सप्रेसिव, और इसी तरीके से अपना प्यार वो डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। ओके, लेट्स सी द फाइनल कार्ड इन दिस पाइल। बी इन द प्रेजेंट एंड ड्रीम ऑफ द फ्यूचर। देखिए, लुक एट दिस ब्यूटिफुल कार्ड। आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, उनका प्यार करने का तरीका देखिए, हमेशा हमेशा आपके साथ प्रेजेंट मोमेंट को वो इन्जॉय करेंगे, और बहुत ब्यूटीफुल फ्यूचर का हमेशा वो सपना देखेंगे आपके साथ। आप ही आप होंगे उनके थॉट्स में, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी। ये थी रीडिंग मेरी पाइल नंबर 2 के लिए। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चुना है, उनके लिए थी ये रीडिंग। अब मैं देखूंगी पाइल नंबर 3 के लिए क्या रीडिंग आती है। चलिए, पाइल 3 ले आते हैं। सो दिस इज़ फॉर द वन सेलेक्टेड फॉर पाइल 3। कि दिस सेज बी विलिंग टू एक्सप्रेस लव। वाओ वाओ वाओ। तो जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, हमेशा तैयार रहेंगे एक्सप्रेस करने के लिए आपका प्यार। और इससे पहले कि मैं सेकंड कार्ड रिवील करूँ ना, मैं आपको दिखा देती हूँ आपका मैसेज। देखते हैं क्या है इस मैसेज में। ओह, योर्स इज गोइंग टू बी अ पजेसिव लवर। यू विल बी द सेंटर ऑफ हिज और हर लव एंड वर्ल्ड, बट ही और शी विल नॉट बी इनसिक्योर। पजेसिव फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं पाइल नंबर 3 वालों के लिए। जो मेरे पाइल नंबर 3 के व्यूअर्स हैं, ऐसे लवर होंगे जिनकी दुनिया जहान आप ही आप होने वाले हो, आप ही होने वाले हो उनके सेंटर, उनके दुनिया की, उनके हार्ट का सेंटर आप ही होने वाले हो। लेकिन वो इनसिक्योर नहीं होंगे, पजेसिव इन बैड सेंस ये नहीं है, इनसिक्योरिटी उनके अंदर नहीं होगी। लेकिन आपको किसी से बांटना या आपकी अटेंशन किसी और को अगर मिलेगी तो ज़रूर उन्हें ख़राब लगेगा। पहली अटेंशन वो चाहेंगे कि आपकी उन पर रहे और उनकी आप पर, उसके बाद कोई और आए आपके लिए भी और उनके लिए भी। इस तरह के पजेसिव लवर होंगे मेरे पाइल 3 वालों के लिए, जिन्होंने पाइल 3 सेलेक्ट किया। चलिए अब कार्ड्स पे आ जाते हैं। बी विलिंग टू एक्सप्रेस लव, प्यार खुल के जाहिर करने वाले होंगे ऐसे लवर होंगे। ऐसे लवर होते हैं ना जो बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं, मतलब हमेशा एक्सप्रेस करते रहते हैं, आई लव यू दिन में 10 बार बोलेंगे आपको। इस तरह के आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे। मतलब कई बार कई पार्टनर्स कई स्पाउस के बीच में इस शब्द को कहने के लिए तरस जाते हैं लोग सुनने के लिए, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होगा। दिन में 10 बार 20 बार जितनी बार आप चाहेंगे, आपको आई लव यू कहा जाएगा, आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। देन इट सेज गेट टू नो ईच अदर, लर्न टू मीट अनदर्स नीड ऑफ लव। आपको वो पूरी लाइफ आपको पढ़ते रहेंगे, आपको जानते रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो सोचेंगे कि अरे मैं तो इसके बारे में सब जानता हूँ, कुछ नहीं, सब पता है मुझे। नहीं, आपके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन, जो चेंजेस आएंगे, उस हर ट्रांसफॉर्मेशन, उस हर चेंज के बारे में उन्हें भी पता रहेगा, क्योंकि डीप फीलिंग्स हैं बहुत ज़्यादा। आपको बहुत प्यार करते होंगे तो आपको वो जानते, वो इस बात पर भी अटेंशन रखेंगे कि क्या चेंजेस हैं, और अच्छे से वो आपको कैसे जान सकते हैं। जितना उन्होंने पिछले टाइम में आपके लिए किया, उससे वो और बेहतर कैसे कर सकते हैं, और खुश आपको कैसे रख सकते हैं, और प्यार आपको कैसे कर सकते हैं। इस तरह के होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। एक्ट एज इफ योर पार्टनर इज हियर। पता है क्या, जिन्होंने पाइल नंबर 3 सेलेक्ट किया, मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस है ना, वो अभी भी आपके बारे में सोच रहे हैं। शायद वो कभी कभी ना अकेले में एक्ट भी करते हैं कि उनका जो वर्चुअली कि जो उनका स्पाउस है ना होने वाला, वो उनके सामने खड़ा है या खड़ी है। तो
एक्ट एज इफ योर पार्टनर इज़ हियर, शायद यू नो मन ही मन आपसे बात भी कर लेते हैं ऑन हायर लेवल्स, आपसे शिकायत भी कर लेते हैं, आपसे प्यार का इजहार भी वो कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं। अगर किसी किसी दिन आप बहुत मूडी हो या आपको एक ऐसी एनर्जी मिल रही है जो आपने पहले फील नहीं की है, तो आप समझ जाओ कि आपको आपकी फ्यूचर स्पाउस याद कर रहे हैं, क्योंकि वो अभी भी एट प्रेजेंट मोमेंट में भी प्रिटेंड कर लेते हैं कई बार कि मेरे साथ मेरे फ्यूचर स्पाउस है, मेरा फ्यूचर स्पाउस है। सो वेदर यू हैव समवन इन योर लाइफ और नॉट, एक्ट एज इफ दे आर विद यू, सो यू विल ऑलवेज कंसिडर देम। हाउ स्वीट। तो अगर कहीं कहीं कभी कभी आपको हिचकियाँ लग जाती हैं, तो समझ जाइए कि जिनसे आपकी शादी होने वाली है वो आपको याद कर रहे हैं बेकरारी के साथ। Appreciate the moment. Every situation is an opportunity to grow and find love. ये thought process होगा आपके lover का, आपके future spouse का। हर एक opportunity को वो grab करेंगे to go with you, to grow with you and to find love with you. Appreciate करेंगे उस moment को। आप कुछ बनाएंगे या बनाएंगी उनके लिए, आप उनके लिए कुछ करेंगे, तो हर चीज़ में आपको appreciation मिलेगा। आपको loved feel होगा, आपको acknowledged feel होगा, आपको हर्ट फील होगा आपके रिश्ते में, इस तरह के होंगे आपके लवर और प्रेजेंट में रहने वाले होंगे। आगे क्या होगा, पीछे क्या हुआ, इस बारे में इतना सोचने वाले नहीं होंगे, वो होंगे अप्रिशिएट करने वाले वाले इस मोमेंट को, जिस मोमेंट में वो हैं, जिस मोमेंट में वो आपके साथ होंगे, वो मोमेंट ही उनके लिए सब कुछ होगा। वो मोमेंट उनके लिए एक ट्रेजर होगा जिसमें से वो एक एक करके सब मोतियों को चुनेंगे। उनके लिए वो मोमेंट सबसे स्पेशल होगा और सबसे ज़्यादा फोकस उनका प्रेजेंट मोमेंट में होगा और आपके साथ वो मोमेंट जिसमें वो उस पल होंगे वही उनका पूरा फोकस का पूरा फोकस उनका उन्हीं पे होगा। ओके, लेट्स रिवील द फाइनल कार्ड, द यूनियन ऑफ हार्ट्स। अ यूनियन ऑफ हार्ट्स, अ लव कनेक्शन डिफाइज एक्सप्लेनेशन। गाइस, आप लोगों की भी मुझे बहुत अच्छी एक ट्विन फ्लेम एनर्जी यहाँ पर मिल रही है। लुक एट द वाइब्स कमिंग फ्रॉम दिस कार्ड, ब्यूटिफुल। तो आप दोनों का ट्रू सेंस में हार्ट्स का यूनियन होगा। ट्रू सेंस में आप लोग दिल से एक दूसरे को चाहोगे। आपका सिर्फ फिजिकल या जिस्मानी मिलन नहीं होगा। जैसे आप देख रहे हो इस कार्ड पे में कितना पैशन है, कितनी इंटिमेसी है, क्या कनेक्शन की फील आ रही है, इसी तरह का कनेक्शन आपका उनके साथ होगा। एंड लव विल कॉन्कर ऑल इन द एंड फॉर यू बोथ। इट विल बी द लव दैट विल कॉन्कर एवरीथिंग। इतना ब्यूटीफुल कार्ड, बिल्कुल ट्विन फ्लेम एनर्जी। मेरे पायलटू वालों के भी बिल्कुल ट्विन फ्लेम एनर्जी आई थी। इट वॉज अ ब्यूटीफुल एनर्जी आई एम पिकिंग अप फ्रॉम दीज कार्ड्स ऑल्सो। सो ये थी रीडिंग मेरे पायल थ्री, जिन्होंने पायल थ्री सेलेक्ट किया है उन लोगों के लिए। और आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। आप लोगों ने आई होप आपके ड्रीम्स सब ट्रू हों। आप लोग आगे आने वाले टाइम में जिस पार्टनर की आप इच्छा रखते हैं, जिस पार्टनर को आप सोचते हैं, वो पार्टनर आपको, आपके सपनों का पार्टनर आपको मिले, यही है मेरी दुआ। और इस दुआ की ऑन दिस नोट मैं इस रीडिंग को एंड करती हूँ। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं मिलूँगी आपको न्यू रीडिंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।